सो गाइस स्वागत है आपका आज के एक और अमेजिंग गेम प्ले में ऑफ वन पीस बर्निंग ब्लड। और गाइस आज के गेम प्ले में हम व्हाइट बियर्ड के मिशंस करने वाले हैं। तो पैरामाउंट वॉर में भाई जो व्हाइट बियर्ड ने फाइट्स की थी आज वो फाइट्स होने वाली है, और जिसमें भाई सबसे कठिन फाइट रहेगी वो रहेगी तीनों के तीनों एडमायरल से, आउकीजी, अकाइनू और भाई किजारू, तीनों से हमारी इकट्ठे फाइट होने वाली है। और मैं अकेला रहूंगा उस टाइम पे सिर्फ व्हाइट बियर्ड वर्सेस के तीनों के तीनों एडमायरल्स। तो चले गाइस शुरू करते हैं आज का गेम प्ले वीडियो। व्हाइट बियर्ड भाई ट्रामा ट्रामा फ्रूट की पावर देख लो आप भाई साहब, हवा में क्रैक दे दिए। भाई दिस इज द क्रू पावर ऑफ क्रेमेट्रामा फ्रूट, समुंदर हिला दिया भाई पूरा का पूरा। सी को एक ले आया है दूसरी साइड से, दोनों तरफ से मरीन फोर्ट डुबाने की कोशिश यहाँ पे व्हाइट बियर्ड द्वारा। दुनिया तबाह करने की पावर है, सेंगोकू ने खुद यहाँ पे एक्नॉलेज किया इस बात को भाई, क्योंकि समुंदर उठा दिया भाई पूरा दोनों तरफ से उसने। फ्लीट ऑफ 47 पायरेट शिप्स, तो 47 पायरेट शिप्स जो कि फ्लीट कहते हैं, यानी कि और भी पायरेट्स मिलके इसके अंडर में काम कर रहे हैं एक तरह से, तो इसलिए उसको फ्लीट्स कहते हैं। भाई साहब सुनामी आ गई दोनों साइड से, इतनी बड़ी बड़ी लहरें लेके, दो की होते दो फ्लामिंगो। भाई दोन की होते दो फ्लामिंगो, आउकीजी ने यहाँ पे बर्फ बना के रोक दिया किसी तरह, आइस एज में रोक दिया किसी तरह से अभी टेम्पररी, पर आउकीजी बहुत पावरफुल है गाइस। ये मरीन छोड़ देता है एक टाइम पे आके, क्योंकि इसकी अकाइनू से फाइट हो जाती है, तब जाके मरीन छोड़ देता है और ऐसा पायरेट बन जाता है। लेकिन अभी फिलहाल व्हाइट बियर्ड की फाइट होने वाली है, आउकीजी बीच में आया है, चलिए करते हैं फाइट। ओ भाई तुम साले मेरे को अटैक नहीं माने, अबे भाई ये मारने दे मेरे को भाई, मेरे को व्हाइट बियर्ड की पावर एक बार ही मिल गया। आउकीजी एक बार ही पावर ले गया भाई, लग जा। गाइस ले गया, अब कीजिए ले गया, खत्म कर दिया भाई, फाइनली खत्म कर दिया हमने आओ कीजिए को यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं अभी, किसान वो आ गया भाई। एडवर्ड न्यू गेट ब्लू फ्लेम मार्को, बहुत जबरदस्त लगता है मेरे को फर्स्ट डिवीजन कमांडो मार्को, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर में से एक है यार इसके बाद। चलिए फाइट करते हैं अब, यू आर अबाउट टू बी हिट बाय अ क्लोज रेंज यूज अटैक, अटैक जस्ट बी हो। चलिए मार्को फाइनली हियर, पहली फाइट मार्को की। ओ भाई जबरदस्त कॉम्बो मूव है, भाई मौका ना देना किजारू को। ओ भाई किजारू ने एक ही बारी में कॉम्बो लगा दी। खत्म भाई। यह बड़ी जल्दी खत्म किया मैंने दो बैक टू बैक फाइट्स यार, बैक टू बैक फाइट्स बड़ी जल्दी खत्म किए मैंने। चलो व्हाइट बियर्ड वर्सेस अकाइनू,
感情ケーキにでも醸してやがれマグマ小僧派手な葬式は嫌いか白ひげ舐めるんじゃねえぞバカだやった次のらめるんじゃねえぞ待ちきゃマネでये ले साले भाई वाइट बियर्ड हालांकि इतना बड़ा है लेकिन पावर अच्छी ले जाता है जब ये मारता है तो अकाइनू तो हाथ भी नहीं लगा पाया यार अपने क्रोकोडाइल शशिबुरी दाना शिरोहिगे शिरोहिगे को मारोगे तुम अब लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल होने वाला है गाइस लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल सबसे पहले फाइट वर्सेस सी हुई थी ये क्रोकोडाइल भी तो ऐसे ही है भाई रेत की पावर साला भाई दे दे मौका साढ़े मारा तो इसने भी अच्छा भाई हता में भाई ट्रैमर ट्रैमर फ्रूट की पावर इतनी है ऑब्वियसली भाई अपने भाई को ही बचाने आएगा ना लूफी और किसी को तो बचाने आएगा नहीं ना हमें तो बचाता तो सबको ही है पर इस टाइम पे अपने भाई को बचाने आए गाइस पायरेट किंग तो यही बनेगा पायरेट किंग तो यही बनेगा आशी परी आ तर सोच しねえぞあなたれ俺は俺のやりてえようにやるエースは俺が助けるありゃ全部死刑でいいんでしょう戦国さん無論だ俺たちだって負けたんだぜキャプテンバギーバイये इम्पेल डाउन से छुड़ा के लाया था मतलब लैव छुड़ाया तो लूफी ने था पर क्रेडिट इसने लिया था कि सारे प्रिजनर्स को ये छुड़ा के लाया सारे प्रिजनर्स इसके इसके साथ हो जाते हैं इसके पायरेट ग्रुप में आ जाते हैं तो ऐसा कुछ सीन था इसलिए वो कैप्टन बगी करते रहेंगे वाइट बियर्ड शिरो होइगे रोजान तोकोरो नो कोजो जाने का नात्सुकाशी ना इकिते था नो का ダメだ見つけられた殺される終わりだ逃げるしかねえ चलिए बग्गी से फाइट करते हैं अब और बग्गी को हराने पड़ेगा इस बार ये पान तो वो तेंसेट का जूडिन なんだ人ごとだと思いやがって क्योंकि बग्गी छोटा है ना अबे यार ये थोड़ा सा ये कर रहा है यार सोननी शूजिन たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか रुक जा そうだ久しぶりだな無視やない खत्म भाई फाइनली बगी को हमने हरा दिया है どうだ一つ海賊同士手を組んで海軍を Marines को हराने में मदद कर व्हाइट बियर्ड ने इसको कहा बाद में मेरी मेरे से फाइट कर लियो इसकी प्लानिंग मस्त लगती है呆れるほどちょろい男だよい赤っ端はともかく後ろの囚人たちは結構な弾だ敵に回すと面倒くせえはいミテオールシャワーかきやいすねプーラかプーラ
आसमान से मैग्मा वाले मीटियोर टपका दिए इसने पूरे के पूरे, और अब यहाँ पे आग लग जाएगी, तबाही मचा दिया भाई अकाइनू ने पूरी की पूरी। शिप्स मोबीडिक किसने तबाह कर दिया पूरा, मोबीडिक में तो लग गई आग। भैंस की अकाइनू मारना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे किजारू आ गया। फुल पावर लेके कैसे जाऊंगा मैं, टाओ कीजी भाई तू पहले मत साले। आओ कीजी को मारना बहुत मुश्किल हो गया, पावर तो बची है, पावर बची है, किजारू से संभल के फाइट करनी पड़ेगी गाइस। टॉपिंग कर लिया इन्होंने, लगता ही नहीं है भाई ढंग से किसी का। नाओकी जी के लग तो गया मूव, लेकिन नाओकी जी पहले से ही खत्म था, किजारू पे लगने चाहिए थे मूव। थोड़ा सा एक कॉम्बो लग जाएगा इस, खत्म। यस फाइनली मारा, मार दिया भैंस की किजारू और अकाइनू को और आओकीजी को, तीनों को पेल दिया भाई हमने फाइनली। तो गाइस कैसा लगा आपको ये गेम पे, अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और ऐसे ही बैक टू बैक गेम पे वीडियोस आने वाले, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।